हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री। और आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.7। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, वेरिएबल ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी कि लीनियर डेंसिटी। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या है, R1 दिया है और R2 दिया है। R1 कितना दिया है, R1 इज इक्वल्स टू 2.1 ओम एट टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर को R1 के टेम्परेचर को T1 ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 27.5 डिग्री सेल्सियस। और R2 कितना गिवन है हमें, 2.7 ओम, और इसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। और अब हमसे पूछा है अल्फा इज इक्वल्स टू डैश, तो अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आर टू इज इक्वल्स टू आर वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आर टू की अब इसमें ना सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आर टू की वैल्यू कितनी है, 2.7 इज इक्वल्स टू आर वन कितना है, 2.1, वन प्लस अल्फा क्या हमें फाइंड करना है, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 27.5 अब इसे पहले तो कैलकुलेट कर लेंगे, तो अब ये 2.7 डिवाइड कर देंगे किससे, 2.1 से। ठीक है, अभी एज इट इज रहेगा 1 प्लस अल्फा, इसको क्या कर देंगे, 100 माइनस 27.5 करेंगे तो क्या आएगा, 72.5। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया हमने। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया हमारा, 0.6 आया। डिवाइडेड बाय 2.1। ठीक है, ये 1 को हमने इससे पहले माइनस किया था, उसके बाद 0.6 आया, और फिर क्या हुआ हमारा, 2 डिवाइडेड बाय 2.1 इज इक्वल्स टू 72.5 अल्फा। तो अल्फा कितना देगा, अब डायरेक्टली अल्फा को साइड ले लेते हैं पहले, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 0.6 2.1 इंटू 72.5। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0.0039 डिग्री पर सेल्सियस। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3.7।